आजकल बड़ा कम देखना होगा। तो आप किसी जो जो बीमारियों से हील हुई बता दें। मेरे को फिर और टाइम पीरियड जितना हो गया हील हो गया। ट्यूमर भी था मेरा पेट में, पास वो वर्ड आया और वो दर्द जब यूट्रस का हो गया और मुझे फिर दर्द शुरू हुआ, तो मैं बोली ये और क्या नया मुसीबत, मेरे को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मैं बोला प्रभु मुझे जिंदा रखना या मौत दे दो। प्रभु ने मेरी दुआ सुनी और मेरे को फ्राइडे 2010 में फिर पास्टर को वर्ड आया कि इसका ट्यूमर हील हो रहा है, यूट्रस के बाहर ट्यूमर था वो हील हो गया। उसका मेरा टेस्ट मिल गया और मेरी रिपोर्ट भी धन्यवाद परमेश्वर का बहुत सी है। और मेरे दोनों शोल्डर फ्रैक्चर है वो भी यहाँ आके हील हो गए। मेरे को पाइल्स की याद नहीं थी, पाइल्स की बीमारी थी वो भी हील हो गई। थैंक यू जीसस। अल्सर हील हो गया और अभी गए मैंने, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट मुझे हाँ पास्टर होनी, मुझे पूरी रात उन्होंने प्रेयर में रखा, 3 दिन तक घर में मैं तड़पती रही। विजय मेरे साथ था, विजय मुझे हॉस्पिटल में था और हाथ में एक पैसा नहीं, मेरे पति नहीं घर में, मैं अकेली, प्रभु साथ था। इनको बताया इतनी वो घबराए ना, सुनंदा तुम कहाँ हो, क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, आसपास होती तो मैं हम सब करती, कोई नहीं था, प्रभु साथ था। तब भी मेरी सांस बंद होगी, मेरा हाथ पकड़े रही, कोई नहीं तो आए, तो विजय मुझे लेके गया, उसके भी प्रॉब्लम मेरी भी अभी आप ठीक हो गई। यस और थैंक यू जीसस, थैंक यू पास्टर मुनी, पास्टर बाबू जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, वी लव यू, सेकंड टेस्टिमनी, वी लव यू। आइए प्रेज द लॉर्ड, जोरदार तालियां। मैंने पास्टर को बिल्कुल
बताया मेरे आँख में प्रॉब्लम है. उसमें गलती आपकी भी थी, चलिए कोई बात नहीं. वचन चल रहा था तो वचन में पास्टर को प्रभु ने बताया और चल के आए, डबल रोशनी आ गई. डॉक्टर के अलावा डॉक्टर के साथ से नहीं था. और आज मेरी शादी हो चुकी है, मुझे मेरे हस्बैंड इंजीनियर है, चल के आए हैं, बैठे हैं, मिले हैं. और आलीशान शादी हुई है, 2.5 लाख का कार मांगा था, 6 लाख की गाड़ी मिली. एक गजब का पार्टी हुआ जो एक कुंवारी लड़की का होता है. गॉड इज ग्रेट. मेरे पापा का मैसेज ठीक हुआ. पापा आने में तो पास्टर ने जैसे ही प्रार्थना किया VIP कोटा लग गया. यीशु मसीह का इतनी गवाही प्रभु, मैं सॉरी बोलती हूँ. थैंक यू पास्टर, थैंक यू सो मच. सारी गवाही भूलिए बापा. देखिए आप इशारा इनकी तरफ कर रही थी बाबा. थोड़ा संभालिए बहुत बढ़िया. अभी सपने की बात करनी, बीच में मैं थोड़ा मैं छोड़ता रहता हूँ. मेरे को यूके से फोन आया, जैसे कि प्रभु के लोगों का आता है, कहता जी मैं गुरमीत बोल दिया. तुम आए थे ना लंडन पे, आई थी बैठी थी. वेरी गुड. कहते हाँ जी, मैं दसो तुम 7 पराठे खाते गल साढ़े कर रहा. मैंने कहा नहीं यार, 7 खा ही नहीं सकता. एक जमाना था जवानी में 7, 8, 10 खा. अभी 2 पराठे 7 खा के गए. देसी घ्यो दे मैं हाथ नाल बना के दिते. मैं क्या कल जब मैं लंदन सीगा नहीं कल राती मैं क्या कल रात मैं पंजाब से आ रहा था. कहते सपने से. तीसरी गवाही जरा मेरे साथ क्या कुछ नहीं होता. एक और पंजाब से फोन आया मुझे. ये हमारा भांजा आया था, आपके बच्चा नहीं था, 3 साल का बच्चा हो गया. तो मैंने बड़ी खुशी की बात है. कहता जी हमारे लिए प्रार्थना करूंगा, हिंदी में बोलता सबको समझ आएगा. मैं करूँ. कहता जी गोवा में धंधा शुरू करने जा रहा हूँ. तो मैंने कहा क्या धंधा? कहता 2 नंबर का. मैंने कहा बेटे एक्चुअली ये प्रेज़ द लॉर्ड. मेरा नाम दीपा अकानी है. मैं हिंदू गुजराती बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ. पावर ऑफ लव में 5 साल से आ रही हूँ. और मेरी जिंदगी में जो बोलते हैं ना आप कन्वर्जन, वो हुआ है, पर धर्म का नहीं हुआ है, मेरा खुद का हुआ है. इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. मैं जब यहाँ आई तब मेरे परिवार में कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स क्या नहीं था. और जैसे प्रभु का वचन कहता है कि आप एक के उधार पाने से पूरा घराना बचता है, आज मेरे घर से बीमारी चली गई है. मेरी सांस के लिए 3 बार प्रार्थना की है. मेजर हार्ट अटैक से उनकी मतलब वो वापस जाके वापस आई वैसा सीन हुआ. इसके लिए प्रभु का धन्यवाद. मेरे हस्बैंड को एक बॉय हुआ था जिसके लिए सर्जरी बोली गई थी अराउंड 15,000 की. मैंने पास्टर से प्रेयर लिया और 60 रुपये में काम हो गया. गॉड ब्लेस यू. वेल स्पोकन. और अभी अनाउंसमेंट कर दो दीपा, आप करी दो थोड़ा सा स्पीड में. सबका स्वागत है जो यहाँ पहली बार आए, प्लीज अपनी जगह पे खड़े हो जाइए. रिक्वेस्ट करूंगी आपको, हमारे परिवार में आपका स्वागत है. आपके पास एक रिवर्सल आईडी, इसमें अपना नाम और नंबर जरूर लिखिए. आप बैठ सकते हैं. आपको बता दूं हमारी ऑफिस है आरपी बिल्डिंग यारी रोड पे, जिसका पता भी आपको दिया जाएगा. वेनेसडे बाइबल स्टडी का दिन है, प्रभु का वचन का दिन है, जो बहुत जरूरी है. आज मैं जैसे मैं गवाही दे रही थी, मेरे में परिवर्तन जो आया है वो पास्टर मोनी और पास्टर बाबू की टीचिंग्स की वजह से आए हैं. तो मैं सबको एनकरेज करूंगी, पुराने नए जो भी है, प्लीज वेनेसडे बाइबल स्टडी अटेंड कीजिए. और फ्राइडे का दिन है, हम चर्च के लिए फास्ट एंड प्रे कर रहे हैं. आप सबको मैं इनवाइट करूंगी और जिसको भी उसके बारे में जानना है आपके पास मोनिक से आप बात कर सकते हैं. सैटरडे नेशन प्रेयर का दिन नियोग किया है हमारे पास ने पास मोनी को. प्रभु ने बताया कि देश के लिए प्रार्थना करो. हम कर रहे हैं 2 साल से और हम काफ़ी चेंजेस देख रहे हैं. इसके लिए प्रभु का धन्यवाद भी करते हैं. और जो कर रहे हैं प्लीज करते रहिए. इसके बारे में भी अगर आपको जानना है आप आके पास मोनी से बात कर सकते हैं. आप अगर 3 मीटिंग अटेंड कर चुके हैं तो पास्टर बब्बू से आप बात कर सकते हो. संगीता है यहाँ पे, मिस नाया है, वो आपको अपॉइंटमेंट लेके देंगे पास्टर जी का और आप बात कर सकते हो. पास्टर मोनी से अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो. पास्टर बब्बू से भी डायरेक्टली बात कर सकते हो. संडे की सर्विस जो बहुत ज़रूरी है सबको पता है, सब यहाँ आए, अगले संडे भी आइए. आपका स्वागत. थैंक यू. Amen.
मुझे पता है नॉट इजी. अभी देने का वक्त है और कॉयर आ जाए जल्दी से. आई नॉट वेट टू हियर टॉनी भाई, मैं अपनी आवाज सुन सुन के थक गया हूँ. Thank you Lord, thank you Jesus. जो नए लोग हैं जो पहली बार आए आप प्लीज दीपा जस्ट कीप देम असाइंड, वी विल टॉक टू देम. हम पास्टर्स मिलेंगे आपके साथ, प्रे करेंगे, हम बताएंगे प्रवेश के बारे में, यहाँ क्या है क्या नहीं हो रहा है. सो वी गिव अ पर्सनल काउंसलिंग उनको अगर लगी है. एंड ऑल्सो अभी देर का वक्त है, आई वॉन्ट टू टीच एवरी वन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आप ध्यान दे लीजिए प्लीज. आई नो ऑल आर वेटिंग फॉर आवर डियर रिवियर्ड ऑनर टू जॉनी भाई हियर, बट जस्ट हियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस थैंक यू लर्निंग. लास्ट संडे पवित्र आत्मा की देयर वाज अ विंड ऑफ द होली स्पिरिट. प्रभु ने मुझे बताया सैटरडे आफ्टरनून को कि हमारे लोगों को बोलो कि पार्टनर विद POL, पार्टनरशिप विद पावर ऑफ लव, दैट इज पार्टनरिंग. प्रभु यीशु के साथ आप पार्टनर बन रहे हो और दुनिया भर हम जहां जाते हो और लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, कैंसर हील हो जाते हैं, उस काम में आप शामिल हो या पार्ट ऑफ इट उसके साथ. और जो आपके रिलेटिव्स है जो आज तक आए नहीं प्रभु में या जो है, हर किसी के नाम के ऊपर जस्ट इन ईच पर्सन ने 500 रुपीज, सिर्फ 500 रुपीज पर मंथ, यू बिकम अ पार्टनर विद द किंगडम ऑफ गॉड. आप पार्टनर बनते हो प्रभु यीशु के साथ, पार्टनर मिश्री के साथ, पास्टर परमजीत हमारे के साथ, जो दुनिया भर जाते हैं प्रभु के काम के लिए. और जितने हीलिंग्स और जितने लोग सोल्स बचते हैं, बॉडीज हील हो जाते हैं, सारे आशीषों में आप भाग है. आमेन. इस टीम आई हर्ड हिज वॉइस, ही सेड जो आप तक प्रभु यीशु को नहीं जाने हैं, जब फेथ के साथ उनके पर उनके नाम में आप लिखते हो उनके नाम में 500 रुपीज पर मंथ, देयर नेम्स उनके नाम आर रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ, जिंदगी की किताब में दे रिटन. एंड यू आर हम रोज हम दोनों प्रार्थना करते हैं उनके लिए और महीने में फेसबुक लाइव में एक एक के नाम लेके टेकिंग द नेम्स, ही विल बी प्रेइंग फॉर एवरी सिंगल वन ऑफ देम. जैसे हर लास्ट वेडनेसडे हमने किए थे, बहुत सारे ब्लेसिंग्स देखे थे. सो जो लास्ट संडे नहीं दिए हैं, यू कैन प्लीज गिव योर नेम्स, हु इज टेकिंग इट. आई थिंक दीपा यू ब्रॉट द रजिस्टर. अपना आपका नाम, आप प्रेयर रिक्वेस्ट, जिस रिक्वेस्ट के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, you write your prayer request and the amount and we will pray for them. So iske alawa there is still the swamish a rent and all this will be going towards a rent over the hall. Amen. You want to speak something about it? Yeah. So see 10% is different. Maine paise ki baat bahut kam karta hu, main kuch log mere ko aage bolte nahi hai, you should talk more about tax and all. Lekin kya hai ki ये जो 500 रुपया है ये कोई भी अफोर्ड कर सकता है आज के ज़माने में. लेकिन ये एक टाइम का नहीं है, ये आपके मेरे साथ पार्टनरशिप है. मैं आपका नाम लेके आपके लिए प्रार्थना करूँगा. मैं दुनिया में सबके लिए नाम लेके प्रार्थना नहीं कर सकता, पर मैं एक बार कमिटमेंट करता हूँ तो उसको रखता हूँ. तो इस नोट पर हम लोगों को अपनी टाइप्स एंड ऑफरिंग्स देंगे और कॉय गाना गाएगा. चलिए मेरे को आप दे दीजिए 500 रुपीज. Different from your tithes, yes. In all your names, you are partnering with the King of Kings and Lord of Lords. Your names are written apne naam kitabon mein likha hai and hum prarthna karenge. You will see the blessing move. God bless you. God bless you wonderfully. And Deepa, just take a name. One who is partnering with them. Swipe, swipe. Yeah, those who have to swipe, come to Nitin, who's standing in the brown shirt or maroon shirt in the corner. Jo yahan khade hai, iske alawa. Let's stand up and we worship God. One second. जो आप देते हैं पहले प्रार्थना कीजिए. अगर आप प्रभु आपसे बात कर रहे हैं तभी दे दीजिए, राइट? क्योंकि आप खुदा को दे रहे हैं. अगर आप किसी भी दिक्कत है आपके दिल में कि आप इंसान को दे रहे हैं, तो बेहतर है कि आप ना दीजिए. ना इस दृष्टि को आशीष मिलेंगे ना आपको मिलेंगे. सो आप खुदा को दे रहे हैं. इफ द स्पिरिट इज मूविंग प्लीज गिव इट. इफ यू नेक दे रहे हो सो वी प्रे फॉर यू. कम ऑन स्टैंड अप एंड वी प्रे.
बैठे धन्यवाद करता हूँ प्रभु हर टाइटल के लिए हर ऑफरर के लिए प्रभु और एक छोटी सी मेरा जो प्रॉमिस बोलता हूँ मैं बात कि मेरे को 19 साल पहले तो आपने बोला था शायद कि परमजीत सिंह मिनिस्ट्रीज पावर क्लब में जो बोएगा उसकी जनरेशन भूखी नहीं रहेंगी मेरे जाने के बाद ध्यान रखिएगा मेरी बात पर लेट्स स्टार्ट एन ऑडियंस और अब अब मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा मैं कल से सोच रहा प्रिपेयर किया नहीं मैंने तो मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत की एक ऐसे आदमी की जिनको मैं तकरीबन 20 साल से जानता हूँ मेरी खुशकिस्मती है खुशकिस्मती है कि मैं उनके बारे में क्या कहूँ उनको करोड़ों लोग प्यार करते हैं मैं तो सोच रहा था आप किसी और एक्टर का नाम लो तो लोग हाँ हाँ नहीं करते हैं आप उनका नाम लो तो स्माइल करो एंड लाफ्टर इज अ गुड मेडिसिन और उनको प्रभु ने ये मेडिसिन करोड़ों लोगों को दे उनके द्वारा दिया गया है ये मेडिसिन जिस साल पहले मुझे मिले थे तो नम्र थे 20 साल पहले जब मुझे मिले थे तो नम्र थे आज उससे भी ज्यादा नम्र लेकिन साथ में वो दबंग है नहीं आपको उनके पिताजी गॉड ब्लेस हिम या मेरे पिताजी हमारे लिए उनके लिए कोई फॉर्च्यून नहीं छोड़ के गए हिंदुस्तान लीवर में काम करते थे सो द लीवर और प्रभु ने इतनी गिफ्टिंग दी है कि मुझे उनकी फिल्म जिसमें उन्होंने न्यूज पढ़ी थी कितने साल पहले आई थी वो पूरी नरेट कर सकता हूँ नसीरुद्दीन शाह के साथ जलवा कितनों को याद है अगर याद है ताली बजाइए यार मेरे वीडियो पे 25,000 व्यू आ गया 25,000 3 million views. क्या इंट्रोडक्शन ये है इंट्रोडक्शन ये है कि सब कुछ होने के बावजूद यीशु मसीह ने इनको पकड़ा और ऐसा पकड़ा कि सबसे ज्यादा मोहब्बत यीशु मसीह ने करती है इनका नाम है जॉनी लीवर जुड़ने शुरू हो जाइए मैं आपको हम्बली आमंत्रित करता हूं कि ये स्टेज आपका है जब तक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थैंक यू वेरी मच बाबू भाई थैंक यू वेरी मच सिस्टर थैंक यू वेरी मच वाह आपने मुझे याद किया ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं प्रभु से मोहब्बत करने वाले सभी लोग वाह मैं यहाँ बब्बू जी को सुनने आता था पहले हमारा प्रेयर मीटिंग की वहाँ होती थी पेट्रोल के पीछे हाँ जी हाँ जी उधर मैं जाता था और कितने मेरे तो क्या क्या ओह मुझे याद ऐसे याद आ रही है सेकंड में याद आ रही है एक खूबसूरत लड़की आई सब प्रेयर करवाने के लिए प्रेयर मीटिंग के बाद सब प्रेयर करवाने के लिए आते खूबसूरत लड़की थी एकदम खूबसूरत आई वो प्रे करवानी है एकदम बाल बाल अच्छे साड़ी खूबसूरत साड़ी पहन के
Babu sir. प्यार बांटते चलो प्यार
बढ़ते चलो क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख है क्या ईसाई हम सब हैं भाई भाई प्यार बढ़ते चलो क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख है क्या ईसाई हम सब हैं भाई भाई प्यार बढ़ते चलो प्यार हम सब हैं भाई भाई हम सब हैं भाई भाई हम सब हैं भाई भाई बाप का पता नहीं है हम भाई भाई हैं हम सब भाई हैं बाप का पता नहीं है किसी को पता नहीं बाप का है बाप यहाँ है पिता परमेश्वर तुम्हारे पिता उसकी हम यहाँ बात करते हैं और उनका पुत्र यीशु की हम बात करते हैं Amen. मैं नहीं जानता था मैं परमेश्वर मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ बचपन से चर्च जाने सब थे लेकिन मुझे छुआ ही नहीं संडे जाते थे हुआ हुआ यीशु अच्छा इसमें काम नहीं करता मैं भी उठाई उठाओ उठाई उठाई उठा उठा हमको लेकर बहुत बड़ा काम किया हमको हेवन मिलेगा सब कुछ छत पर काम करते हैं ये सब होता था संडे चर्च जाते थे 6 महीने में 3 महीने में एक बार ये ऐसी जिंदगी थी 2002 में प्रभु ने छुआ मेरी टेस्टिमनी सबको मालूम है मेरी बेटी की वजह से मैं यहाँ आया प्रभु में मेरे बेटे का ट्यूमर ठीक हुआ यहाँ के डॉक्टरों ने हाथ उठा दी थी पंडितों ने बाबाओं ने स्वामी कहाँ कहाँ नहीं गया मैं सब ने कहा बहुत मुश्किल है कुंडली वालों ने कह दिया 2002 के बाद क्षमा चाहता हूँ आपका बच्चा नहीं 2002 के बाद कुंडली में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है पूरा अंधेरा दिख रहा है ऐसा मेरी बीवी को बताया कुंडली वाले 2002 के बाद 2002 में मैं प्रभु में आया प्रभु की कृपा से मेरा बच्चा आज 2018 है सब ने कहा इम्पॉसिबल प्रभु ने पॉसिबल करके बताया ये प्रभु आज 3 बहनों ने गवाही दी ये मेरी बहन कितनी खुश है देखना मैं आ रहा देखा था क्या नाच रही थी उनको देख कर लगता है देखिए कितना प्यार करती है प्रभु से और क्या जिंदगी में बदलाव है प्रभु ने क्या कैसे छुआ कैसे जिंदगी बदल दी प्रेज द लॉर्ड तो एक बार बाबू साहब बोले प्रभु ने बोला मुझे यस प्रेज द लॉर्ड तो ये अजीब सा लगता है कि एक कॉमेडियन आदमी किसी के लिए प्रेम कर रहा है तो पहले तो हंसेगा वो मॉरिशस में एक बार प्रेम सर एक पाचन ने बोली जैसे आपने बोला प्रे करो मैं जाके प्रे कर रहा हूँ मॉरिशस में प्रे करो उस सब लोग अब उनके दिमाग में बाजीगर याद आ रहा होगा जलवा का कोई सीन याद आ रहा होगा वो हंसने वाले जो गिरे बाद में मुझे प्रेयर करना आता ही नहीं था मुझे प्रेयर करना आता ही नहीं था और कभी कभी होली स्पिरिट मुझसे बात करे
इसके लिए प्रेयर कर रहा है। बोले ये तो बहुत बड़ा एवेंजलिस्ट है, इनके लिए मैं कैसे प्रेयर करूं? बोल रहा हूं प्रेयर कर। अब एस आर मनोहर साहब तो ग्रेट एवेंजलिस्ट, बहुत बड़ा खुदा का बंदा वो है, प्रेयर करते लोग हील होते हैं और उनके लिए प्रेयर करो। मैंने कहा यार मैं कैसे प्रेयर करूं? तो प्रेयर कर, कान में आवाज आई लोगों। मैंने बोला ब्रदर मैं आपके लिए प्रेयर करूं? हाँ हाँ करो ना। मेरे साथ इम्तियाज भाई थे, हम लोग साइन किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे थे। बोले हाँ करो ना। अच्छा आप कहाँ रहते हैं? और ये होटल बाजू में होटल है, उसका चलो वहाँ गए। वहाँ गया प्रेयर करा उनके लिए। अब प्रेयर कैसे करूँ आता ही नहीं लोगों, प्रेयर करने के लिए तो समझ में नहीं आता कैसे प्रेयर हो, किसी के लिए प्रेयर नहीं किया था। तो उनके लिए तो वहाँ तेल था, बोला हाँ तेल लगा के प्रेयर करता, तेल लिया पता नहीं क्या तेल है, हाँ ये लिया और तेल उनको लगाया, तेल लगा के अपना बोलूँ क्या बोलूँ, वो नहीं आया मेरे को क्या बोलूँ, अभी तो बहुत बोल सकता पहले वहाँ पता ही बोलना क्या है। मैं उनके हाथ लगा वो रोना शुरू कर दिया, इतना बड़ा एवेंजलिस्ट रो रहे हैं ये इम्तियाज भाई कोने में, मुझे ये क्यों हिल रहे हैं इम्तियाज भाई, क्यों हिल रहे हैं ये क्या हो रहा है? मैं भी डर गया, जैसे हो रहा है मैं डर गया। अब लॉन्ग टाइम जीसस यू टच्ड मी थ्रू जीसस, थ्रू जमीन यू टच्ड मी। मैं इसलिए बता रहा हूं जो मेरे साथ हुआ है उनको बता रहा हूं कि प्रभु के काम कैसे होते हैं। वो किसी को भी छू सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम नए नए थे और पता नहीं समझ में नहीं आता था। ऐसे करते 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 प्रभु ने इतनों को छुआ, इतनों को छुआ, फिर आपको पेस्टर को नहीं पता ऋतिक रोशन है, ऐसे लोगों को ऋतिक रोशन को बचपन से बीमारी थी, हाथ लगा दिया प्रभु ने उसको ठीक कर दिया, हालेलुया। ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं। अब मजे की बात देखिए, मैं एक बार अपने वैनिटी वैन में बैठा था, मेकअप रूम में वैन में बैठा था, फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहा था, यमला परला दीवाना धर्मपाजी की पिक्चर। हम लोग बाहर वैनिटी वैन में बैठे हुए तो एक बंदा आया मेरे पास, और धनी भाई क्या क्या कर रहे हैं? मैं बाइबल पढ़ रहा था। तो सॉरी आप बाइबल पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, और कैसे है? और उस दिन बहुत प्रेज में रहता था, बहुत प्रेज में, तो मैं प्रेज में था। वो आए और क्या सर है बहुत तकलीफ है, चलता टेंशन है, ये हो वा हो, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम है मैं आपके लिए कुछ दुआ करूँ क्या है मतलब क्या कुछ नहीं साहब, मेरे को थोड़ा सा क्या वो स्टोन का प्रॉब्लम है दुखता है। तो बैठ के ऐसे क्यों कर रहा था? मैंने खड़े हुआ प्रेज करता हूँ, मैंने तो प्रेज के साथ वो गिर गया, होते गिर गया उठा उसका स्टोन सब दुखना बंद हो गया भाई। नीचे उतरा, जैसे वैन से नीचे उतरा, मेरे वैन के बाहर घंटी वैन के बाहर लाइन लगी, लाइन क्या के लिए होगा पेमेंट वगैरह वगैरह बोले ये भाई ये क्यों याद नहीं है, कौन किसकी पेमेंट है, कौन कर रहा है? बोले ये आपके लिए, मेरे लिए क्यों? अयो सबको पत्री है सोने क्या बात कर रहे हो, सब आगे निकल लाइट वाले रिफ्लेक्टर वाले सब बेचारे वो शॉर्टेज है, मैंने ये माफ जीत तब मैं 15 दिन में शूटिंग करा रहा, सबकी पत्रियां नहीं सबकी तो ये हमारे प्रभु। आप लोग हर समय यहाँ आते हैं, बाबू जी को सुनते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, और प्रभु परमेश्वर के वचन से हमारे अंदर कितना बदलाव होता है। और मैं उसके बाद मैं उससे पहले जो भी कमाता था क्या करता था, बहुत पैसे कमाया था, कुछ बड़ा नाम था, लेकिन मैं थोड़ा अंधेरे में था। लोग कहते थे कि जॉनी भाई बहुत हम्बल है, क्या आदमी है ना, कमाल है ना, अमेजिंग है, वेरी ग्रेट यार,
गाय काट ली है यार, लेकिन माफ करना, मैं अंदर से गुस्से आ रही हूँ, थोड़ा घमंड भी था, इतना सक्सेस मिले हो घमंड ना हो झूठ बात है, आप छुपाते हो बात अलग है, लेकिन प्राइड तो आता ही है। हम एक्टिंग करते थे पढ़ने के सामने भी, पढ़ने के बाहर भी अच्छे की एक्टिंग करते और अंदर चले चले, ये प्राइड है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये प्राइड है। क्यों? कि हम अंधकार में थे तो हम उसको समझ नहीं पाते थे, उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते थे, ये सच्चाई है, उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते थे। प्रभु मेरे जीवन में 2002 के बाद जब मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया, बाइबल पढ़ना शुरू किया, वो खुदा को धीरे धीरे समझने लगा, अभी समझना बाकी है। हमारे को दूसरा जन्म हम मानते नहीं, अगर 17 जन्म मिले तो भी हमारी समझ में नहीं आएगा। वो 12 शिष्य दर्जे साथ में, ये शिष्य लोगों की समझ में नहीं आया तो हमारी समझ में कैसे आएगा? जल्दी फटाफट शिष्यों की समझ में कभी नहीं आया। जीसस को कभी कभी परेशान होकर बताया, कब तक तुम लोगों के साथ रहूं, कब तक? परेशान हो जाते थे, क्योंकि जीसस को सब पता था क्या होने वाला है। वो खुद बताते थे कि मेरा मुझे मारेंगे, मुझे तकलीफ देंगे, मैं मरूंगा, मैं किसी दिन भी जी उठूंगा, डरो मत। ये सब बोलते थे, लेकिन वो लोग कैसे यकीन करें, समझ में नहीं आ रहा। आप भविष्य पढ़िए तो आपको पता चलेगा, उनकी समझ में आता नहीं था। लेकिन मैं समझने की कोशिश करता था, बाइबल पढ़ता था, रोता था, बाइबल पढ़ता था, रोता था। मैं जब यहां से अमेरिका जाता था शोज के लिए, 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे खूब दारू पीते थे, कस के फोकड़ बिना कस के दारू, टाइम पास 18 घंटे मैं बोल गया। मैं यहां से हमारा दुआया लंदन, लंदन से फिर अगेन न्यूयॉर्क, माय गॉड बोरिंग, नाइन हार्ट मैन, सब बोलते थे बड़े बड़े लोग। मैं छोटा आदमी, मैं बड़ा हो गया, मैं भी बोलना शुरू कर दिया, यार 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 वेरी बोरिंग, नाइन हार्ट मैन अगेन, टू थ्री आर्स हॉट मैन, वेरी बैड यार 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 लोकर यार, ऐसा हम भी स्टाइलिश हो गए थे। अब बोरिंग दूर करने के लिए झाड़ू और हमारी शैतान की पोती आ जाती थी, या वुड लाइक टू हैव दैट Johnny Walker, yeah, you have red label or black label? Yeah, beep, 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 कि भाई 200 करोड़ ले ले, अगर 200 नहीं देंगे तो हम 400 का बिल बनाते हैं, कपड़ा दे दिया, लॉन्ड्री पे डाल दो, बोले इससे अच्छा 200 में पड़ जाएगा अपना काम, वो ऑलरेडी 200 देके हमको छूट जाते थे, वो अलाउंस मिल रहा है हमको, हम तो 200 डॉलर में 100 डॉलर मुश्किल से खर्च करके 100 डॉलर रख लेते, जाने के डर ब्लैक लेबल लेके जाएंगे शॉपिंग करेंगे, ऐसे मान लो हमको हर चीज फ्री में मिलता है। मैं सच बोल रहा हूँ चौबे साहब, सही बोल रहा हूँ, ये हम लोग हर चीज फ्री मिलता तो हमारा दिमाग खराब नहीं होगा, कैसे नहीं हो सकता सर? लेकिन भाई का कैसा, मेरा दिमाग इतना खराब नहीं हुआ, बाकी खराब आज भी खराब, पता नहीं उस वक्त ऊपर वाला ने संभाला मुझे, दिमाग तो खराब होगा ही, लेकिन जब प्रभु समझ में आया, बाइबल पढ़ने लगा, वचन पढ़ने लगा, फिर उसके बाद जब अमेरिका गया 18 घंटे 20 घंटे डर नहीं, ओनली बाइबल, बजती रहे ताली, घुमाइए। उसके बाद मैंने 10 साल से रखी, 10 ईयर्स खुदा ने कहा मैं भी पढ़ते हो, मुझसे प्यार करते हो, काम पे लगे तेरे को बताता हूं।
फिर पता चलेगा तू मुझसे कितना प्यार करता है। आ जा, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, आ जा लाइन में, आ जा हेलो जा, इधर जा उधर जा, काट 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 काट, हर जगह दुनिया भर में घूमता रहे लगे। मैंने शोज किए चावला साहब अमेरिका में, हमने ग्रुप तैयार किया, हॉल बुक किया, हॉल बुक करके हमने प्रोग्राम किया। जॉनी लीवर अपनी मन की बात कहेगा, शो फ्री, आ जाओ सीट पकड़ो बैठो और जाओ, लेकिन फ्री जॉनी लीवर आएगा कुछ बोलेगा, जॉनी लीवर और पैसा नहीं लेगा, नो टिकट, क्या है। मैंने दो बार अमेरिका में आठ आठ प्रोग्राम किए और मैंने वहां जाकर अपने बेटे की गवाही दी, मैंने खूब बातें की, मन की बातें की और प्रभु के बारे में बताया, प्रेयर किया, हीलिंग्स, प्रभु ने कईयों को ठीक किया, ये होता रहा। मैं दो बार गया, वो इसलिए कि हम जब भी शो करने जाते थे वहां से चक लेके आते थे, फ्री का टिकट, फ्री का होटल, फ्री का ये, मैं कल लौट आऊंगा, मैं अपने पैसे से जाऊंगा, बिजनेस का टिकट होटल में अपने पैसे, यहां सब प्रेयर करके बातें करके लोगों सेवा करके। मैंने कुछ नहीं, मैं यहां आया हूं कोई यहां कन्वर्ट वनवर्ट करने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां मैं यीशु की अपनी बात और यीशु की बात उसने मेरी जिंदगी में क्या बदलाव लाया है वो आप सुनिए, वो बताने दिया मेरी जिंदगी। और वहां प्रभु ने कईयों को हील किया, मैं वापस देने आऊ जो प्यार लोगों से मैंने लिया, जितना लोगों ने मुझे प्यार दिया मैं वापस कैसे करूं, तो ये तरीका मैंने देखा और मैंने प्यार वापस किया। प्रभु ने पता नहीं क्या दिमाग में डाल दिया, तो वहां भी ये सब होता रहा, सर बड़ा एंजॉय किया। 10 साल इधर गया, बैंक बैलेंस खाली, पैसा ना है, बीबी बोल रही है क्या होगी आगे ऐसे होटल में, तो क्या होगा, अब पिक्चर भी नहीं कर रहा हूं, सब शो फिल्म छोड़ देते हो, शो भी छोड़ दो, ये शो मैं नहीं करूंगा, फला नहीं करूंगा, तो पैसे कहां से आएंगे, पिक्चर भी नहीं कर रहे हो, बाइबल के विरुद्ध में कुछ नहीं करूंगा, अभिषेक के वचन के विरुद्ध मैं कुछ नहीं करूंगा, भूखा मर जाऊंगा लेकिन नहीं करूंगा, जो भी करूंगा अभिषेक की मर्जी मैंने ठान लिया। बोले आगे क्या होगा, आगे कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा, अभी घर घर का क्या क्या काम है, अच्छा काम है यार, लोगों के पास घर नहीं होते हैं, मेरे पास अच्छा है, इसको बेच दूंगा, जाऊंगा मेरा रोड, इससे बढ़िया घर लूंगा, कोई दुकान शुकान ले लूंगा, किचन फ्री, कुछ पैसे रखूंगा बैंक में, बच्चों की पढ़ाई के लिए, इसके लिए तो जो भी है लड़ूंगा, डरने का क्या है। मेरी भाई बोलती है सच्चाई इस मंच पे खड़े हो तो कोई झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारा प्रभु सत्य है, सत्य है, सच बोलना चाहिए, सच बात करनी चाहिए। तो मैंने ये किया, जितने पैसे मैंने लुटाए थे पहले वो भी आ गए, ये भी आ गए, घर मेरा घर के नीचे एक और घर आ गया। तो ये मैंने कभी मांगा नहीं था उनसे, बट वो जानते हैं आपकी नीड्स, आपके रिक्वायरमेंट्स, आपकी नीड्स सब जानते हैं, उनको सब पता है, है? अब लोग कहते हैं यीशु क्या है, कौन है, क्या, ये सवाल आता है। यीशु के साथ में रहने वाले नहीं समझ सके उनको, बहुत टाइम लगा समझने के लिए। तो मैं कभी कभी इस पर सोचता बाबू साहब कि क्यों नहीं समझे, वो तो साथ में थे,
हम तो बाइबल पढ़ के समझ रहे हैं, डर जाते हैं, रोते हैं, अरे क्या है, मगर वो लोग नहीं समझ पाए, उनकी जगह हम होते शायद हमें नहीं समझ पाते, हमको भी लगता है यार सही है गलत है क्या, बहुत मुश्किल हो सकता है। वो लोग क्यों नहीं समझे, यीशु उनको किस तरह समझाया, कैसे कैसे अपने आप को छोटा करके, आप एवरी संडे सुनते हो क्या, गरीबों में रहते थे यीशु प्रभु, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, परमेश्वर का पुत्र और खुद परमेश्वर, ज्योति मैं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ज्योति में से आया, मनुष्य बन के आया, वो बादशाह था फिर भी रहा सादगी के साथ, वो बादशाह था रहा फिर भी सादगी के साथ, वो था खुदा जमीन पे चला आदमी के साथ। वो था खुदा जमीन पे चला आदमी के साथ, ये लोग क्यों नहीं समझ सकते थे। लाजर मर रहे थे, लाजर हाँ जी मर रहे थे, तो ये लोग उनको छुपना पड़ा क्योंकि वो सब तकलीफ दे रहे थे जीसस को, शिष्यों को, तो किसी और गांव में जाके छुपे हुए थे। लाजर मर गए, किसी ने कहा कि चलो लाजर मर गए जाना है, तो यीशु ने कहा लाजर सो रहा है उसको उठाते हैं, वो उठेगा। शिष्य परेशान, उठाने जाएंगे, मार पड़ेगी वहां तो मार पकड़ के, पहले के लिए वो सो रहा है उसको उठाएंगे। सेंट थोमा, थोमा थोमा ने कहा गुरु कब समझेगी, वहां पड़ेगी यार मार, वहां मार ढूंढ रहे लोग मारने के लिए, कहां ले जा रहे हैं, वहां जानी फिर कैसे, हम तो छुप रहे यहां पे। अच्छी वो मर गए नहीं, वो सो रहा है, उठेगा। थोमा ने कहा चलो मरने वालों के साथ हम भी जाके मरते हैं, यार एक कहा कि नहीं, थोमा ने कहा, कहा देखिए ये कौन कह रहा है, अपने आंखों के सामने मुर्दे उठते हुए देखे, लगड़े चलते हुए देखे, अंधों को देखे, हाँ अंधों आंखें आंखें मिल गई उनको देखे, वो कह रहा है चलो मरने वाले ना जल्दी मरते हैं क्या कर। ये थोमा, किसी थोमा की मेहरबानी है हम पर भाई, यही आए थे इंडिया केरला 2000 साल पहले, तो वहां पर थोमा आकर के प्रभु ने भेज दिया जाओ, प्रभु ने कहा जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं, वहां प्रेम करते थे, कई लोग हील हो जाते थे, द्रविड़ लोगों ने उनको बांध दिया। सेंट थोमा, सेंट टॉम चर्च, पुराना चर्च चेन्नई में है जी, तो वो ये बोलोगे यकीन नहीं किया, ये सेंट थोमा यकीन नहीं किया भाई, ये अभी खत्म नहीं होती बात, ये तो मैं बात करने बता दिया आपको, ये थोमा तो और भी शक्की था, अजीब करेक्टर था। पीटर ने कहा प्रभु मैं, पीटर बहुत प्यार करते थे यीशु से, पीटर बहुत प्यार करने वाला, प्रभु मैं आपके लिए हूँ, पीटर तू मुझे 3 बार इनकार करेगा, प्रभु पीटर ने सोचा क्या मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, जानते नहीं मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ इनका मैं, हाँ पीटर 3 बार इनकार करेगा, और उसने 3 बार इनकार किया, वो कभी नहीं कर सकता था, बहुत प्यार करता था, लेकिन वो भी 3 बार इनकार कर दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ क्यों ऐसा क्यों थोमा, अब सब वो इनकार किए होंगे, चलो ठीक है प्रभु ने, पीटर ने इनकार कर दिया, पीटर ने इनकार कर दिया कि मनुष्य में
परमेश्वर में कितना फर्क है। यीशु मनुष्य बने, परमेश्वर गॉड आया मनुष्य बने, है कि को मालूम है कि मर इनकार करेगा, फिर भी मनुष्य है ना बता रहा है तीसरी बार इनकार करेगा मुर्गा बांग देगा। आपको हिंट भी दे रहे हैं कि तुम्हें याद आया मैंने कहा कि तुम तीन बार इनकार करोगे। देखिए दो बार जब इनकार किया प्रभु कह निश्चय प्रभु अंदर है, ये कितना प्यार करता था सब में यही आया प्रभु को देख कर कुछ नहीं सकते थे लेकिन आया प्रभु अंदर है लोग वहां फायर में बैठे ये भी बैठ जाओ किसी ने बोला ये उनके साथ था ले तुम मुझे वहां से निकला अरे तुम ये भी तो मैं दूसरी बार है ना कभी मुझे ना तीसरी बार इनकार किया तब पीटर ने रियलाइज किया तब रियलाइज किया ये रियलाइज करेगा इसलिए ऋषि ने पहले से कह दिया तीसरी बार इनकार करेगा मुर्गा बांग देगा। देखिए देखिए हम लोग हम इंसान क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं क्यों 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 शिष्य लोग ऐसे क्यों थे क्या थे प्रॉब्लम क्या थी मैं आता हूं बाद में और आता हूं ये अब कैसे इनका विश्वास और बढ़े चलो मैं मरूंगा मर के भी जीवित हूंगा तब ये विश्वास करें जरूर मरे और जीवित हुए कब्र में नहीं आज भी कब्र खाली है मैरी मगदलीनी को दर्शन दिया मैरी मगदलीनी बहुत प्यार करती थी दर्शन नहीं देना था फिर भी प्यार की वजह से दर्शन दे दिया मरिया किसको ढूंढ रही हो ये तो प्रभु की आवाज है मैं प्रभु का तड़प रही थी दर्शन दे दिया तड़पने वालों को मिलता है हालेलुया विश्वास करो मैं प्रभु विश्वास की लैंग्वेज जानते हैं फेथ लैंग्वेज फेथ लैंग्वेज नॉट फेक लैंग्वेज फेक लैंग्वेज नहीं फेक लैंग्वेज अब साहब डेथ होगी बोले हाँ मेरी मतलब को दर्शन दे दिया हम लोग साथ में रहते हैं यार हमको दर्शन उसको उसको दर्शन देगा मेरी मतलब हम साथ में रहने वाले हैं कौन है सपना होगा मैं पागल होगी और थोमा ने कहा ए थोमा हमारा थोमा जो इंडिया है मेरे हीरो बॉडी थोमा साहब जो है तो जब तक मैं उनके आदमियों की के निशान नहीं देखूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा थोमा कह रहा है यीशु बंद कमरे में आता है और कहता है दरवाजा बंद बंद कमरे में आकर दर्शन देता है कहता थोमा ये ले हाथ लगा ये ले हाथ लगा धर्म का भूत नहीं हूं हाँ भूत को शरीर नहीं होता है मैं हाथ लगा और विश्वास धन्य है वो जो बगैर देखे विश्वास करते हैं मेरी बच्चे को बोला जा बोलते गैलीली में सबको बुला ले वहां सबको दर्शन दे सबसे बातें की और आसमान पे उठा लिए गए और फरिश्तों ने कहा क्या देख रहे हो ऊपर जैसे गए वैसे आएंगे इंतजार करो हेलो लिया ठीक है अब साहब अब शिष्य लोग प्रभु ने कहा पीटर को कह रहा तू मछलियां पकड़ता है तुझे मनुष्यों को बनाने लायक बनाऊंगा हैं पीटर को बोला पीटर देखा 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 जैसे मैं 10 साल में कुछ काम नहीं किया आगे जाके मेरा क्या होगा भाई पीटर ने सोचा घर कैसे चलेगा कुछ पकड़ना वकड़ना भूल गया फिर मछली पकड़ने चला गया पीटर फिर से मछली पकड़ने चला गया बल जाओ रे नटुआ बल फायदा निकल गया मछली पकड़ने के लिए अब सोचिए यीशु के यीशु को कैसा लगता हो प्रभु को क्या लगता हो फिर प्रभु आए पीटर 3 बार झूठ बोला तो प्रभु तेरे को
करेगा तो अभी मछली पकड़ने चला गया। क्यों? अरे मैं मछली नहीं पकड़ूंगा तो खाऊंगा क्या? ये इसके लिए मछली पकड़ा तो वापस ले आया वहां से, इधर खाना है ना, अरे मछली तो पकड़ा है इसके लिए, किनारे पे सेकड़ी भी है, भट्टी भी है, मछली है, कोई नहीं, ओनली प्रभु ये ले खा। मैं हूं जीवन जल, मैं हूं जीवन की रोटी, मैं हूं। देखिए ये अब और एक बात बता दूंगा, देखो तकलीफ होती है, मैं भी पढ़ता हूं ना, मैं अभी पढ़ते हैं, आपको भी लगता होगा ये क्या है, कैसे क्या है, कैसे किया गया, एक की जगह होता मैं कभी नहीं लूटता ऐसा आपको लगेगा नहीं। चलो चलो एक बार जा रहे थे बोट पे जा रहे, तूफान आ गया, हाँ जी, और प्रभु परेशान थे, ये जिंदा थे तब की बात हो रहा था, प्रभु परेशान थे कि इनको मैं कैसे बताऊं, इनको कैसे समझाऊं। चलो तूफान आ गया सब लोग ट्राई कर रहे थे, प्रभु आराम से पीछे सो रहे थे और सब लोग चिल्ला रहे, एक ने कहा प्रभु हम लोग मरे जा रहे हैं और आप सो रहे हैं। प्रभु उठे, तूफान एक सेकंड में बुश हो गया और प्रभु ने एक ही वर्ड कहा, लिटिल फेथ, फिर जाके सो गया, अल्प विश्वास है ना, अल्प विश्वास करके सो गया। सो गए शिष्य लोग आपने बात कर रहे हैं, ये कौन है यार, ये कौन है, और प्रभु सोच रहे हैं यार अभी भी कौन है, मुर्दे देखे उठ रहे, अंधे देख रहे, लंगड़े चल रहे हैं, तूफान ने बंद करा दिया, अब सोचिए सोचिए आप, अब प्रभु ने कहा मैं आपको बताना पड़ेगा, मैं कौन, मैं बहुत बोल के सब थक गया, अब मुझे बताना पड़ेगा। आगे देखिए गिरेशिया एक जगह वहां पहुंचे और शिष्य ने कहा ले जाए, ठीक है, वहां पहुंचे तो वहां एक बंदा कब्रस्तान में रहता था, वो कब्रों में खाता था, उसके अंदर आत्माएं थी, कितनी आत्माएं, नहीं आप अपनी दीवारें गिना रहे हैं, कितनी आत्माएं थी, सेना कई 2000 तो सुना मैंने है, इतनी आत्माएं थी जी आए, वो उसको बांध के रखना पड़ता था सांकलों में चेन से, वो चिल्लाता था चीखता था, उसके अंदर कई आत्माएं थी, उसने प्रभु को देखा, शिष्य साथ में थे, प्रभु को देखा, उसने क्या कहा वो कहेगा मुझे प्लीज, उसने क्या कहा, परमेश्वर का पुत्र पिता का पुत्र है, फिर वो लोग तभी नहीं सुने, फिर दोबारा आना पड़ा,
मछली पकड़ने जा रहे हैं, तो ये सब क्यों, ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए मेरे भाई और बहनों, प्यारे दोस्तों, क्योंकि हम मिट्टी से बने हुए हैं। मिट्टी से परमेश्वर ने हमको मिट्टी से बनाया, मिट्टी से बनाया आदम को, पहले इंसान दुनिया का, और आदम के पसली से हवा को बनाया। मिट्टी, मिट्टी इधर गाड़ में रखी, रहो पिलो, खुश रहो, जो चाहिए जो खाना है पिलो, सब कुछ तुम्हारा, खाना पीना जो करना है करो, सब कुछ नहीं। उस पेड़ के पास बच जाना, उस पेड़ का कुछ नहीं खाना, गॉड बोल के निकल गए। और शैतान की एंट्री, जैसे फिल्मों में एंट्री होते हैं ना, ड्रामा में, शैतान ने बोला गॉड गॉड आपने बोल दिया, आपने काम किया, ओके मैं अपनी एंट्री ले लू। शैतान ने एंट्री ले ली, झाड़ पे लिपट के साफ है, पाप ले जाओ फल, क्या कौन सा फल था वो? पपैया था। अरे इसलिए तो पाप आया, पपैया इसलिए तो पाप आया दुनिया में, वो लेके आया। और क्या बोला, मैं तेरे लिए फोटो पे लेके तरने, जादूसुरों का जगाने हवा भी, मैं तो कब से खड़ी इस पार आता है देसी। खाली खाली आदम बाबा को खिलाड़ी, पाप आ गया बाहर, इतने प्रॉफिट्स आए, इतने नबी आए, सब पाप, और पाप को निकाल नहीं पाए। उस पाप को निकालने के लिए यीशु प्राण दिए बहाए, ताकि वो पाप निकल जाए, हम लोगों का जनरेशन जनरेशन पीढ़ी पीढ़ी का श्राप निकल जाए। ये हमारे प्रभु ने कहा। हम फिर मच्छी पकड़ने चले गए, क्योंकि हम मिट्टी हैं। मिट्टी है ना, मिट्टी की सोच उतनी है, मिट्टी की लिमिटेशन उतनी है, मिट्टी के बने हुए हैं हम लोग। हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, बहुत बुद्धिमान। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के राइटर्स, कुछ डायरेक्टर्स, कुछ प्रोड्यूसर्स, मैंने लिखा है, लिख कर पेपर में कटा गया, पे सिनेमा में पते प्यारे करा जिंदा कर दिया, मैंने ये लिखी हुई चीज, मेरी सोच को मैंने जिंदा कर दिया, और गोली डिब्बी सिरो डिब्बी ये गौर बन जाते हैं, उसको गौर बना देते हैं, खुदा बन जाते हैं हम लोग। क्या क्रिएटिविटी है, अच्छा बेटे जो लेने बाबा, बहुत क्रिएटिव है, वैसे बहुत क्रिएटिविटी है, हमें अमेजिंग है, अमेजिंग, बड़ा बड़ा टैलेंटेड, ओ माय गॉड, अमेजिंग, ओ भाई, सब खुदा है, एक एक गॉड है सब लोग। मिट्टी, ये सब अपने आप को खुदा समझते हैं। पैसा खूब आता है, सक्सेस, धन, प्रभु ने कहा परमेश्वर को, आप नहीं धनवान जितने हैं, स्वर्ग के राज में सुई के नाके में जो ऊंट निकल सकता है, लेकिन धनवान नहीं जा सकता उनका, क्योंकि धन ही तो गॉड है, धन ही तो गॉड है, पैसे ही तो गॉड है। मतलब धन को और गॉड को एक साथ नहीं कर सकती, गॉड है धन। सर, ऐसे लोगों को मैंने रोते हुए देखा है, बर्बाद होते हुए देखा है, जिनको गौर समझते थे उनको तड़प तड़प के मरते हुए देखा है, डॉक्टर को, डॉक्टर भी परेशान, मैं क्या करूँ यार, यहाँ पे नहीं हुई, यहाँ तो उनकी तरह ऑफिशियल है, तुम तरह क्या करूँ उनको, ऐसा बोलो डॉक्टर निकल जाता है। गौर का क्या हुआ, हम मिट्टी हैं, पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा चाहिए, क्या बात है, बिल्कुल चाहिए, कमाइए, एंजॉय करिए, लेकिन सर आपकी सोच बदल जाती है, पैसे के बाद आपको कुछ समझ नहीं आता, वो गलत है, वो परेशान, शांति नहीं है तो कहां से, कौन देगा शांति आपको? आप शांति क्रिएट करते हैं पैसों से, चलो हाथ पार्टी हो जाए यार, छह स्पेस दिया, बनाते हैं पार्टी खत्म हो गई, रात बदले बैठे हुए, अब क्या करोगे?
मिट्टी, ये मिट्टी के लोग हैं सर, इनके हाथ में कुछ नहीं, अभी क्या होने वाला है इनके बाप को भी नहीं पता, ये मिट्टी, मिट्टी की सोच लिमिटेड है। यीशु ने अपने प्राण देकर आपको मिट्टी से बाहर लाने की कोशिश की, आपको मिट्टी से बाहर लाने की कोशिश की, आपको आत्मा में बढ़ाना चाहता है। हम आज कई लोग यहां आते ना, आत्मा में बढ़ने के लिए आते हैं, पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा से आपकी रिलेशनशिप हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, पहचान हो जाती है, आपकी जिंदगी अलग हो जाती है। जिस तरह इस लड़की हमारी बहन ने आके इस तरह गवाही दी, ये लोग सोचते हैं क्या कैसे कैसे क्या कैसे होता है, हम पागल है तो क्या यहाँ है। आत्मा में बढ़ गई थी, जब भी यहां आए आप देखिए क्या वचन है, परमेश्वर के वचन पे आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर की जुबान से जो जो चीजें निकली है, यीशु की जुबान से जो जो चीजें निकली है, उसका मतलब क्या है, इसको समझिए तो आप भी इसी तरह बोलेंगे जिस तरह मैं बोल रहा हूं। यहां आके आप वचन पे ध्यान दीजिए, उसको लीजिए, बहुत मुश्किल है, उन शिष्यों के समझ में नहीं आया तो आपके समझ में कैसे आ सकता है, हमको भी धीरे धीरे समझ में आता है। उधर एक बोने वाले ने बो दिया, वो ये कर दिया, वो कर दिया, कोई फुटू दाने यहाँ गिर गया, कुछ दाने वहां गिर गए, वो शैतान आता चुरा के ले जाता है, फलाना करता है, ये करता है, वो करता है। आपने पूरा वचन सुना, शैतान, यस शैतान चोरी करता है, वचन जाने नहीं देगा, पर भाई वचन पढ़ रहे हैं, वचन ऊपर से आ रहा हूं, ये कान में घुसा इधर घूम रहा है, अगर घुस भी गया शैतान आना दूसरे कान से निकाल लेता है। शैतान, शैतान की तरह समझना है, शैतान की परीक्षा हुई यीशु प्रभु से, am I right? यीशु प्रभु से कहता है अगर तू खुदा का बेटा है, 40 दिन भूखे भूखे रहे, वो पेट में खाना नहीं, शैतान आ गया, अगर तू खुदा का बेटा है तो बोले पत्थर को रोटी बन जाए, खुदा का बेटा है बोल। यीशु ने कहा लिखा हुआ है, मनुष्य मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से पेट भरता है। फिर दोबारा शैतान ने कहा अच्छा तू खुदा का बेटा है, यहां से कूद, तू खुदा का बेटा है यहां से कूद भाई, फरिश्ते भेजेंगे तुझे, हाथों पकड़ लेंगे, कैच करेंगे, ने लिखा हुआ है तू प्रभु पिता परमेश्वर की परीक्षा ना कर, इसका इम्तिहान ना ले। तीसरी बार शैतान कहता है सारे राज्यों का माल, कई राज्य मेरे को दे दिए, कई राज्य मुझे दिए गए हैं, पैसा दौलत सब कुछ, झुक के मुझे नमन कर, सजदा कर, ये सब मैं तुझे दूंगा। सर किससे कह रहा है? जीसस से, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, पिता परमेश्वर का बेटा जो मनुष्य बन के आया है, उससे कह रहा है झुक के कर, सजदा कर, ये सब मैं तुझे दूंगा। यीशु ने तब कहा, लिखा हुआ नहीं कहा, शैतान चल चलती था, तेरा टाइम हो गया निकल, पतली गली पकड़, चल गेट आउट, अभी चला गया। तो शैतान यीशु की परीक्षा ले सकता है, तो आप और हम क्या बेचते हैं? सिंपल सी बात बता रहा हूं, इसके लिए वचन को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब चर्च में आते हैं, अली जब चर्च में आते हैं, बाहर से निकल के घर से निकल के आते हैं, आपको जल्दी होती है यार, कोई पिक्चर जा रहे थे, चर्च जा रहे हैं, तो क्या हुआ ऐसे अंकल है, सब लोग कैसे कैसे पहन पहन के आते हैं, मुझे जल्दी कर यार, तो जल्दी करना यार, तो अरे क्या दूसरे कॉल करिए, अरे 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 अच्छा ठीक है, आराम से चल चल पूरा चाय करते ठीक है, ओके सॉरी सॉरी डर लगे क्या, अरे सॉरी सॉरी अभी चल यार, बहुत बहुत भाई क्या बोले पता नहीं, चलो चलो चलो
और रिक्शा में बैठे बीवी वहां बैठी है, हस्बैंड यहाँ बैठा हुआ है, फिर बब्बू का वचन बोल रहे हैं, वचन में इत्तेफाक से भाई अपने घर के लिए बोल रहे हैं, अपनी बीवी से प्यार करो, अपनी बीवी को मत सताओ, ये वो सब बोलते हैं, और पति को भी, पत्नी को, आप भी अपने पति को प्यार करो, पति की इज्जत करो, आप बोल रहे हैं, ये सब हो रहा है, फिर वहां रियलाइज नहीं करते हैं, अरे भाई क्यों बेचारे को परेशान करता हूँ, और औरत भी वहां से देखती है, बेचारे को इतना मेहनत करते हैं, उनको मैं इरिटेट करती हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, दोनों देखते हैं, मन ही मन दूर से समझ आते सॉरी बोल रहे हैं, फिर निकलते हैं, फिर रिक्शा बैठ के क्या किरण क्या तुम कैसे आती हो, ये कैसे आती हो, मतलब क्या लॉ वर्ड कैसे आती हो, आप तुम कितने में जमाने पर में पर तुम तो पागल हो, पागल की शादी के लिए तुम शादी के फटा मेरे भाई, अरे यार वहां इतना अच्छा था, चर्च में भी अच्छा था, फिर बैठ के फिर शुरू और अंदर आके भेज लो शैतान, कौन क्या करते शैतान कहाँ है, ये सब बैठा क्या, कौन शैतान कहाँ है, शैतान आपके पीछे ही लगा हुआ है, चिपका हुआ है शैतान, आपको शैतान को लेके घूम गया, जहां भी जाता है शैतान चिपका हुआ है, जैसे आप चर्च में घुसता है तो शैतान निकल के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है, और आप और शैतान बाहर का इंतजार करता है, अभी आएगा, शैतान के कई लोग होते हैं, तेरा वाला कौन सा है, तेरा वाला बहुत टाइम लगता है, जैसे बाहर आया फिर चमक जाता है, शैतान हमारे साथ ही है, वो कहां जाएगा, वो घुसने भी नहीं होता मीटर को, क्योंकि देखिए आप एक घंटे यहां सुनने के बाद बाहर आए तो जरा भी हैंग ओवर नहीं होता, इससे तो अच्छे बेवड़े हैं, हाँ बेवड़े हैं, दो पैर पी के बाहर दो घंटे जरूर रहते हैं, दो तीन ईमानदारी तुम लेते नहीं जाए, आपको कोई हैंग ओवर ही नहीं, क्योंकि शैतान ले, जब आप यहां आके वचन को समझेंगे और दिल से प्रभु के सामने झुकेंगे, शैतान जो है यहां कभी नहीं बैठ सकता, शैतान खुदा की रोशनी के सामने कभी नहीं बैठ सकता, तो दोस्तों वचन से हम आत्मा में बढ़ते हैं, वचन जब हम अंदर लेते हैं, वचन को समझते हैं, तो हम आत्मा में बढ़ते हैं, फिर पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा, गाइड करेगा, जहां भी जाएंगे, जो भी काम करने से पहले एक छोटा सा प्रेयर कीजिए, वो आपको गाइड कर देगा, एक सेकंड में पूरा आप सिचुएशन बदल देगा, प्रेज द लॉर्ड, ये हमारा मैं जा रहा हूं और तुम्हारे हेल्प के लिए मैं होली स्पिरिट भेजूंगा, हेल्पर, वो होली स्पिरिट उसने भेजा है, वो हमारे लिए है, इसका फायदा हम जरूर उठाएंगे, तो हर संडे आप लोग यहाँ आते हैं पुराने के बाद, जरूर इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, वचन को सुनिएगा, मेरा खुदा मुझसे कहता है कि अपने जानने वालों से ये कह कि मेरे ऊपर बर्डन, मैं अपनी फैमिली से अपने दोस्तों से यही कह रहा हूँ, प्लीज जितना हो सके अपना प्रभु को समझने की कोशिश कीजिए, इससे आप मजबूत होंगे, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप मजबूत स्ट्रांग, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के, कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए, आपसे बड़ा कोई नहीं है, कभी भी अपने आप को प्लीज फॉर गॉड से, खुदा ने आपको अपने हाथ से बनाया है, कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए, मगर छोटा बनकर रहिए, छोटा बनकर रहिए।
क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, उनके लेवल में आके स्टोरीज में उनको बता रहे थे, उनको स्टोरीज में ताकि वो समझे उनकी लैंग्वेज में उनके हिसाब से बात करें, अपने आप को कितना छोटा किया। छोटे थे 12 साल की उम्र में जब वो बिछड़ गए थे मदर बेबी से, उनको लगा नाजरे चले गए होंगे, देखा तो वापस वो जेरूसलम में कहां है, किधर है, ढूंढते गए तो जेरूसलम में कहां थे, टेंपल पे बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग गाड़ी वाले उनके पीछे बैठे हुए और उनसे बातें कर रहे हैं। प्रश्न जवाब हो रहा है, सवाल जवाब हो रहा है, ये आगे बोलो ये कौन है आपका बेटा, हाँ अरे बाप रे ये कैसे कैसे बातें कर रहा है, ये कौन है। 12 साल की उम्र में उन बुड्ढों को हैरान किया तो 30 साल की उम्र में क्या कर सकते थे। 30 साल की उम्र में उन्होंने कार्य शुरू किया, क्योंकि 3 साल उन्होंने काम किया तो 3 साल के बीच गरीबों के बीच में रहते उनके लेवल में आकर के उनसे बात करते हैं, अपने आप को कितना छोटा कर सकते हैं परमेश्वर, तो आप क्यों नहीं करेंगे, हम भी नम्र होंगे, अभी छोटा ना करेंगे अपने आप को छोटा रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, थैंक यू, हालेलुया। एंड की तरफ जाते हुए आदम और हव्वा, कोई नोट आपने देखा है उस लिखा पढ़ी देखी जो स्कूल में हम लोग ले जाते थे, तो कैसे होली स्पिरिट जो लोग मुझे देख रहे हैं अभी
ये मैसेज बार बार देखिए, ध्यान से सुनिए, आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएगी। आप छोटे नहीं पर छोटे बन के रहिए। अभी बताइए इसका मैसेज आके वो लिख लो पूजा के एन इवनिंग विद जॉनी भाई, मिस्टर जॉनी, ऑलराइट, उसके नीचे हिंदी में लिख दो, ठीक है, और एक मैं बाद में बताऊंगा छोटे को। आज मेरे दिल में आया है, आज मैं छुट्टी में हूँ और प्रभु जॉनी भाई ने बोला है कि मैं वो मेरी कस्टडी में तो मतलब फंस गया बहुत शांति से, बहुत मोहब्बत से, इज्जत बख्शते हुए। जो लोग बीमार हैं, ये बच्चा है ना, जिनको बड़ी बीमारी, सारे नहीं आएंगे, एक क्या लाइन लगाई है जॉनी भाई आपके लिए, प्रार्थना करेंगे उनसे पूछेंगे। जितनों को तकलीफ, वो बच्चा वही बैठा है, ज्यादा तकलीफ है, है? या जो है आगे आ जाइए, लास्ट लास्ट वाल, हाँ 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 आराम से कर लो, आप बैठे में बुलाता हूँ मैं, बुलाता हूँ। यस माय ब्रदर मैं सब लोग आ रही है तो मैं जॉनी भाई को बताऊंगा किसको क्या क्या तकलीफ है। नए लोगों के लिए मैं हूँ, दुआ करके जाऊंगा, ठीक है। मेरा टीम किधर है? मैंने एक नई लड़की को बोला था आने के लिए, आगे नहीं आ रही हूँ। हाँ है, अभी एक बार एक लाइन में थोड़ा करिए, सीखते हैं ठीक से बड़ा करिए। मेरे पापा मेरे को एक मांगे गुलाब की बहुत बीमारी थी, उसमें एक लाइन और एक लाइन पीछे जैसे मैं रखता हूँ, ठीक है। मैं नए लोगों को साइड पे खड़ा करो, नए लोगों को राइट साइड पे खड़ा करो, और तीसरा बीमा लोग वैसे मैं नए लोगों को बुलाऊंगा, फिर आप मुझे अभी बताइए आगे। अभी मैं दरखास्त करूंगा, पहली बार वाले सब कर जो बहुत बीमार है, आइए दीपक जी आइए, आजकल आपके हिंदी कर रहे हो जी जी, गिव मी द गो अहेड, गिव मी द गो अहेड, शुड आई सब सेटिंग कर दीजिए। आयो बिटी जो बहुत बीमार है सब आगे आए, खांसी जुकाम वाला आएगा तो मैं खांसी जुकाम बढ़ा दूंगा। इस लोके कॉल जॉनी भाई ना, जॉनी भाई प्लीज आ जाइए। आपको स्ट्रोक है, स्ट्रोक है, Go,
Thank you.
Keep your ears on the